जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग समाज सेवी और व्यापार जगत में भी बहुत अच्छी हस्ती हैं। एक ऐसी हस्ती डॉक्टर अशोक अग्रवाल, डॉक्टरेट की उपाधि आपको सोशियोलॉजी में विशेष अध्ययन के लिए मिली है और कई साल से 1990 से 3 दशक हो गए, 30 साल का एक अच्छा अनुभव सामाजिक क्षेत्र में काम करने का है। अखिल भारतवर्षीय अग्रवाल संगठन हो चाहे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच हो, बहुत सारे संगठनों में आपने विभिन्न तरह की सेवाएं की हैं और समाज में एक जो कमी रहती है, मुझे लगता है कि अग्रवाल समाज बहुत दानवीर और बड़े व्यापारिक जगत का समाज है, तो उसमें बहुत सारी खामियों को और समाज सेवा कि अपने क्षेत्र के, अपने ही समाज नहीं बाकी समाज के लोगों का भी किस तरीके से भला कर सके, बेहतर कर सके, उसके लिए प्रयास रहते हैं और कार्यक्रम भी करते हैं। अशोक भैया, आपका स्वागत है। इतने साल हो गए आपको करते हुए, अगर वन लाइन एक बात कोई कहना हो तो क्या आपके संतुष्टि मिली संगठन से काम करने से? घर वाले नाराज होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग लगता है कि यार फालतू काम है, आज की जनरेशन तो ऐसे ही समझती है। देखिए, ये बात तो सत्य है कि आपके पास में चंद घंटे होते हैं प्रतिदिन, या तो उन घंटों का उपयोग आप अपने व्यापार में कर लें या सामाजिक क्षेत्र में कर लें। ये एक बड़ा संतुलन का काम है। जो व्यक्ति व्यावसायिक जगत में भी काम करना चाहता है और सामाजिक क्षेत्र में भी काम करना चाहता है, उसे दोनों पॉइंट पर अपना संतुलन बना के काम करना पड़ता है। वो जितना समय सामाजिक क्षेत्र में देता है, निश्चित तौर पर व्यापारिक जगत में उतना उसके समय कम होते हैं, उतना उसको लॉस तो होता ही है, लेकिन जो उसने अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए काम किया, उस आत्मा की संतुष्टि सर्वोपरि है। और इसलिए मैं लगातार 90 से इस कार्य में लगा हुआ हूँ और रुचि मेरी धार्मिक क्षेत्र में कम परंतु सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा रहती है कि सामाजिक क्षेत्र के माध्यम से मैं समाज को संगठित करूँ, गरीबों की सेवा करूँ, विकलांगों की सेवा करूँ और हर वो काम करूं जिसमें मुझे मेरी आत्मा को संतुष्टि मिले। अभी आप जो है अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आप, इसके अलावा मारवाड़ी युवा मंच, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, इसके भी प्रदेश में आपने ही संगठन को बनाया, अध्यक्ष भी रहे और अभी भी इसमें काम करते हैं। मैं बता दूं कि जब मारवाड़ी युवा मंच जो है, ये जब 1990 में मैं जुड़ा तब ये एकदम शिशु अवस्था में था, परंतु अखिल भारत ये स्तर पर मारवाड़ी युवा मंच की नींव रखी जा चुकी थी और ये बहुत ही सक्रिय रूप से पूरे इंडिया में धीरे धीरे अपने व्यवहार और विचारों के माध्यम से लोगों के दिल में जगह बना रहा था और मैं भी उसी विचारों को जानकर मैं भी इस संगठन से जुड़ा। जुड़ने के बाद पूरे प्रदेश में हमने पूरी दौरा किया, दौरा करने के बाद जगह जगह इसकी ब्रांचेस खोली और आज हमारे पास मतलब अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच में 700 से अधिक ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में काम कर रही हैं। लगभग लाखों मतलब युवा साथी हमारे सामाजिक और सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की बात करूं तो अभी मुझे ये नया दायित्व राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में मिला है, परंतु इस संगठन में भी मैं 1998 से काम कर रहा हूं। जब छत्तीसगढ़ प्रदेश की बनने की सुगबुगाहट चालू हुई थी तभी श्री प्रदीप मित्तल जी, जो हमारे अभी राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल सम्मेलन की घोषणा की और बाद में इस सम्मेलन ने संगठन का रूप लिया। उसमें भी मैं प्रदेश चेयरमैन हूं वर्तमान में और मारवाड़ी युवा मंच के माध्यम से, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के माध्यम से, या यूं कहिए जो भी सामाजिक प्लेटफॉर्म है जैसे विकलांग चेतना परिषद है, इन सब माध्यमों से सेवा का भाव हमारा पूरा होता है और प्लेटफॉर्म पे काम करने से इसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। आप बता रहे थे कि गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए अगर फर्दर एजुकेशन है तो उनको ब्याज मुक्त ऋण भी देते हैं, इसके अलावा जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका सम्मान साल में एक बार, इसके अलावा विवाह मारवाड़ी युवा मंच ने विकलांग का भी तो है ही परिचय सम्मेलन, इस तरीके के लगातार कार्यक्रम करते हैं। और क्या कार्यक्रम करते हैं? इसको थोड़ा सा विस्तारित करना चाहता हूं कि जो ब्याज मुक्त ऋण योजना है वो हमारा एक ट्रस्ट है, श्री अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के माध्यम से हम उन बच्चों को चिन्हित करते हैं जो बच्चे गरीब हैं
किसी भी जाति और धर्म के हों और प्रतिभाशाली है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन अर्थाभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो किसी भी बच्चे के समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए है वो। और यदि कोई भी मतलब जो आज मेरे इस बात को सुन रहे हैं हो और उनके पास भी यदि कोई बच्चे हों, उनके किसी कर्मचारी के बच्चे हों, प्रतिभाशाली हों, आगे पढ़ने के लिए धन नहीं हो, तो कुछ हमने 16 कोर्सेस हमने चिन्हित किए हुए हैं, उनके उस क्राइटेरिया में यदि वो बच्चा आता है तो 2 लाख रुपए तक का उनको हम तुरंत ऋण स्वीकृत करते हैं। और उसका जो भी टेन्योर होता है 2 साल से लेकर 5 साल तक का उसका पढ़ाई का जो कोर्स टेन्योर होता है उस पीरियड के लिए वो लोन होता है। जब उसकी नौकरी लग जाती है तो आसान किस्तों में उस लोन को बगैर किसी ब्याज के वो चुका देता है। इस प्रकार से अनेक लोग वहाँ पे लाभान्वित हुए हैं। रह गई बात हमारी विवाह के लिए, तो परिचय सम्मेलनों का आयोजन करना, मंगल परिणय ग्रुपों के माध्यम से वैवाहिक लोगों के संबंध तय कराना, तो अग्रवाल समाज का हमारा एक मंगल परिणय का एक बहुत बड़ी योजना चल रही है। उस योजना के तहत लगभग अभी तक हमने 700 जोड़ों का विवाह संपन्न करा चुके हैं, जहां विधवा, विधुर, बड़ी उम्र के बच्चे और ऐसे परित्यक्ता लोगों के संबंधों की बात है। हम अभी शीघ्र ही वो शतक भी हम पूरा करने जा रहे हैं। 87 संबंध हमारे अभी तक उसमें भी संपन्न हो गए। लगभग 250 से अधिक बच्चों को उनके माँ बाप मिल गए। 160-170 परिवार आपस में मतलब जुड़ गए, जिनके संबंध टूट चुके थे, जिनके जीवन के अंदर में दोबारा खुशियां लौट के आई है, ऐसे लोगों में भी सफलता हमको मिली है। रह गई बात रेलवे स्टेशन के ऊपर में विकलांगों, बुजुर्गों और मतलब जो है ऐसे निसहाय लोगों के लिए बैटरी कार की व्यवस्था करना, हमारी 2 बैटरी कार रायपुर सेंट्रल मारवाड़ी युवमंच के माध्यम से लगातार पिछले 2010 से 12-13 साल हो गए हम लगातार संचालित कर रहे हैं। पूरी निःशुल्क सेवा है, लोगों से जो सहयोग मिलता है उसी सहयोग से उसकी का संचालन होता है। इस प्रकार के एक जैसे प्रतिभाओं का सम्मान करना, उनको हम 18 हमारे अग्रसेन जी के नाम पे 18 पुरस्कारों की स्थापना है। 18 पुरस्कारों के तहत 11,000 रुपये प्रत्येक को नगद, एक शानदार प्रशस्ति पत्र, एक मोमेंटो और जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सरी की जो राष्ट्रीय स्तर पर मतलब भारत सरकार के द्वारा उपाधियां दी जाती हैं उस तरीके की अग्रश्री, अग्रभूषण और अग्र श्री शिरोमणि इस तरीके की उपाधियां समाज के द्वारा 18 उपाधियां 18 अलग अलग क्षेत्रों में उन प्रतिभाशाली लोगों को दी जाती हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का परचम पूरे समाज में, प्रदेश में किसी न किसी रूप में लहराया है। इसके लिए बाकायदा पूरी एक जूरी बैठती है और लोगों में इस पुरस्कार को पाने के लिए बहुत उत्साह रहता है। इतना सारा काम कर लेते हैं, फिर मैं एक बात कहूंगा कि नई पीढ़ी, आपने तो संतुलन कायम कर लिया, नई पीढ़ी तो पैसे के पीछे में पागल और भागे जा रही है। अभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये फालतू काम है। आपका क्या निचोड़ और क्या कहना चाहते हो कि किस तरीके की संतुष्टि रात की नींद अच्छी आती है? जैसे मैं बताऊं कि अभी जैसे कोविड आया, सेवा का भाव मन में शुरू से रहा तो लोगों के सहयोग से तुरंत 36 कंसंट्रेशन मशीन आई, 25 ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर आए, भोजन की व्यवस्था लोगों के लिए हुई, हजारों लोगों को हमने इस कोविड में सेवाएं दी। मन को बहुत तसल्ली होती है, कभी किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर तो देखिए, जो तसल्ली अपने को मिलेगी उस तसल्ली का कोई मुकाबला पैसा नहीं कर सकता है। ये बात बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को समझनी होगी। इससे हमको तो, हमारी आत्मा को तो संतुष्टि मिलती ही मिलती है। और साथ ही साथ मैं एक बात को विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ, एक महाजन हूँ, एक व्यापारी हूँ, तो व्यापारी की भाषा में समझाऊँ तो ये बात मैंने बुरहानपुर एक कार्यक्रम के दौरान भी कही थी 1992 में। उस बात को मेरे को याद आ रही कि जैसे हमारे पास डेबिट क्रेडिट खाता होता है वैसे ही भगवान के पास में भी डेबिट क्रेडिट खाता होता है। हमारे अच्छे कार्यों को वो हमारे क्रेडिट साइड में और बुरे कार्यों को डेबिट साइड में बराबर रखते हैं, लेकिन एक महाजन जैसे दोनों का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करता है, वैसा वो कभी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। वो हर कर्म के हिसाब से उसको उसका फल जरूर देते हैं। यदि उसने क्रेडिट साइड में आपको किसी अच्छी चीज का फल देना निश्चित किया हुआ है तो उसका फल जरूर मिलेगा, और आपने यदि कोई बुरा कर्म किया है तो उस बुरे कर्म का फल भी आपको जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, भगवान एक काम और जरूर करते हैं कि जब भी किसी बुरे कार्य की सजा आपको जब देते हैं तो अच्छे कार्यों से उसके एक फल भी आपको ताकत के रूप में दे देते हैं कि ताकि आप आसानी से अपने उस बुरे कर्मों के फल को भी भोग सके। तो ये बात को आपको बैलेंस करके चलनी है कि आपने यदि जीवन के अंदर में बुरे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे कर्म भी करते हुए चलना है, वही आपके लिए आपके इस जीवन का पार है। और यदि संक्षेप में मैं कहूं
तो हम मतलब मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, मनुष्य से मानव की ओर हमारे को अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, तो ये सेवा का भाव हर व्यक्ति को अपने मन में पालना ही होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, सकारात्मकता के साथ में और अच्छाई के साथ में। मैं हमेशा कहता हूँ, माँ कहती थी कि अच्छाई लौट कर आती है, यही है कि बहुत अच्छी सरल भाषा में आपको डेबिट क्रेडिट, अच्छे कर्मों का क्रेडिट आपको लेना है और बुरे कर्म का क्रेडिट जितना कम रखेंगे उतना ही अच्छा होगा और उसका फल मिलेगा। कहानी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन अशोक भैया आपसे बातचीत करके और समाज के लिए एक संदेश भी है, अच्छाई के साथ में चलें, भले समय लगेगा बेहतर होगा, नई पीढ़ी के लिए भी है। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।